नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी टेबल में। तो दोस्तों, हमने जीके की सीरीज चला रखी है, ये आप सभी को पता है। और इसमें जो आरआरबी, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 भर्ती जो निकली है, इन सभी के लिए इसमें सभी महत्वपूर्ण सवाल हमने बना रखे हैं, तो ये आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? कलम का सिपाही तो ये अमृत राय ने लिखी थी। तो जो कलम का सिपाही कृति है वो अमृत राय द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल, अमेरिका की डेट्रॉइट इलेक्ट्रिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिकल कार का नाम क्या है? तो जो अमेरिका की डेट्रॉइट इलेक्ट्रिकल्स कंपनी ने एक इलेक्ट्रिकल कार बनाई जो बिजली से चलती है और जो सबसे तेज चलती है, तो उसका नाम है SP01। तो SP01 वो कार है, बिजली की कार जो सबसे तेज चलती है, और ये अमेरिका की डेट्रॉइट इलेक्ट्रिकल्स कंपनी द्वारा बनाई गई। अगला सवाल, गेकोएला गेपोरेंसिस किसकी प्रजाति का नाम है? गेकोएला गेपोरेंसिस तो ये छिपकली की प्रजाति का नाम होता है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, और लेकिन इनके जन्म के 8-10 दिन बाद ही इनकी माँ चल बसी थी। तो इनका पालन जो है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। और जो ये हमारा पहला उपदेश था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया था। तो जो हमारा ये पहला उपदेश है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया गया था। अगला सवाल, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो वो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। मैं आपको बता दूं, समुद्रगुप्त ने जो उनका शासन काल था, उन्होंने राज किया वो 335 से 380 तक किया। ये गुप्ता राजवंश के चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त गुप्ता राजवंश के चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला सबसे पहले वास्को डी गामा था, जो 20 मई 1498 को भारत आया था। याद रखिएगा, 1498, 20 मई, और ये आया था कोझिकोड, एक जगह का नाम था कैलिकट में, जो पहले कैलिकट हुआ करता था, तो कोझिकोड के पास आया था। फिलहाल ये जगह केरल में है। तो अगला सवाल, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई लाठी चार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार जब भारतीयों ने किया, तो उसमें लाला लाजपत राय की लाठी लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं बता दूं आपको कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसकी कमेटी में कोई भी मेंबर भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था। और ये कब आया? ये 30 अक्टूबर 1928 को आया। और लाला लाजपत राय की एक और है, एक सवाल है जो कई बार पूछा गया है, कि लाला लाजपत राय ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, और इसकी स्थापना लाहौर में उन्होंने की थी। तो अगला सवाल,
गोलमेज सम्मेलन किसकी संस्तुतियों पर विचार के लिए आयोजित किए गए थे? तो ये भी साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार के लिए आयोजित किए गए थे। अगला सवाल, किस नृत्य शैली में कथा और भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो ये कुचिपुड़ी में हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो ये प्रसिद्ध लोक रूप जो है महाराष्ट्र के संगीत का, वो लावणी है। अगला सवाल, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? हिंदी को किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो वो हिंदी को अवधी भाषा में लिखते थे। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एक कृष्ण देव राय ने इन दोनों मंदिर का निर्माण करवाया था। किस किस का? हजारा का मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर। अगला सवाल, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ। ये नदी, मैं बता दूं आपको, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और जो ये हमारा बांध है नागार्जुन सागर बांध, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो सीमा है, पहले ये एक ही थे लेकिन अब इनका बंटवारा हो गया, तो इसकी सीमा पर बिल्कुल स्थित है नागार्जुन बांध, ठीक है, याद रखिएगा। और जो कृष्णा नदी है हमारी, वो हमारी चौथी सबसे बड़ी नदी है पानी के उससे देखे तो, कि कितना पानी उसमें आता है, गंगा गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा के बाद, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो समुद्र तल के ऊपर हिमालय ही सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी हमारी लद्दाख और पीर पंजल रेंज के बीच स्थित है। अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो अगर हमें सिंगल सिंगल मतलब किसी भी व्यक्ति की आय निकालनी हो, तो जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है नेशनल इनकम, हम उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत के योजना आयोग का गठन 1950 15 मार्च 1950 को किया गया था। और जो इसका योजना आयोग होता है, जो इसके हमारा अध्यक्ष जी होते हैं, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। तो जो हमारा योजना आयोग है वो 15 मार्च 1950 से 17 अगस्त 2014 तक रहा, उसके बाद उसे बदलकर नीति आयोग का गठन हुआ, तो याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो संघ का मंत्री परिषद जो होता है उनकी सिफारिश पर ही आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है, संघ का मंत्री परिषद। अगला सवाल, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। मैं बता दूं आपको जो 3 प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत इसको लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात। दूसरा, राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपात स्थिति, ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। आखिरी और तीसरा, वित्तीय आपात इकोनॉमिकल इमरजेंसी, तो ये हमारी अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाई जा सकती है। तो ये 3 मुख्य आपात स्थिति है जो भारत में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लगाई जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, आज तक भारत में सिर्फ एक बार आपात स्थिति आई है, जो 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीनों का आपातकाल समय घोषित हुआ था। याद रखिएगा, 21 महीने 26 जून 1975 से 1975 से 1977 तक।
तो ये 21 महीने का आपातकालीन था स्थिति थी, और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो सिर्फ केवल लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में ही वो प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो ये अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था, संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया था मूलभूत अधिकारों की सूची में से, और ये आया था 1978 में, याद रखिएगा 1978। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय ख्याति पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? तो द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल हर्नांडो डी सोटो ने लिखी है, हर्नांडो डी सोटो। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विमल जालान है, याद रखिएगा विमल जालान, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी ऊषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जो हमारी एथलीट थी पीटी ऊषा, उन पर एक बायोग्राफी आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम है गोल्डन गर्ल। अगला सवाल, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसेज शब्द हमारा क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो जो रेशम का उत्पादन होता है वो रेशम कीट के लार्वा से होता है, जो कीट है रेशम इसी का जो लार्वा निकलता है उसी से हमारा रेशम का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दा, जिसे हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं, उसका कार्यात्मक यूनिट सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो उसका नाम है नेफ्रोन, तो उसे नेफ्रोन उसकी सबसे छोटी यूनिट है। अगला सवाल, ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो जो ध्वनि की गति होती है वो कांच में सबसे तेज होती है, और ये मैं बता दूं आपको, ये होती है 4540 मीटर पर सेकंड, कितना 4540 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बॉल पेन होता है हमारा वो पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन पर काम करता है। माघ खिचड़ी गुड़िया बजहर होली आदि त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये सभी त्योहार थारू जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना? तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन 1977 ईस्वी में बना, लोकायुक्त संगठन 1977 ईस्वी में बना उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं का मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 है उसमें यह विवरण मिलता है। अगला सवाल, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में जो निर्मित हुआ था, बना था पहला कंप्यूटर, उसका नाम है सिद्धार्थ। दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी? तो ये जो 3G मोबाइल सर्विस थी ये सबसे पहले एनटीटी डोकोमो, एक कंपनी है जो जापान की है, उसके द्वारा लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा एनटीटी डोकोमो। अगला सवाल, अधिपादप किस विशेष तरह के स्थानों पर पाए जाते हैं? तो जो अधिपादप होते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ हर समय वर्षा होती है, जहाँ पूरे साल बारिश होती है, तो ऐसी जगहों पर अधिपादप पाए जाते हैं, वर्षा पूरे वर्ष होती है जहाँ पर। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम हरियाणा के किस जनपद में अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम झज्जर में अवस्थित है, याद रखिएगा झज्जर। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस तिथि को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी थी? तो ये हमारी 4 मई 2013 को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी मिल गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया? तो जो हमारा 2013 है उसको हम जल संरक्षण वर्ष के रूप में
मनाने का फैसला किया गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, याद रखिएगा ऋग्वेद में। अगला सवाल, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो जो भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उन पर हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था दुर्ग, उसका जो कलकत्ता में स्थित है उसका नाम है फोर्ट विलियम। अगला सवाल, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। और अगर पूछा जाए कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे, जो 1469 से 1539 तक रहे। अगला सवाल, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोला राजा कौन था? तो राजेंद्र चोला ने यह काम किया था जो गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले गए थे, राजेंद्र चोला। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो एक ही जगह पर महाकुंभ मेला जो लगते हैं तो 12 वर्षों का अंतराल उनके बीच होता है। आज का आखिरी सवाल, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सवाल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो ये बहुत जरूरी है आने वाले जितने भी पेपर है हमारे लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती या फिर RRB का पेपर हो, तो ये इन सब के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी टेबल। थैंक यू।